हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, जस्ट मैं अभी आई थी तो नीचे आ गया अनिल और लड्डू, और हम आज लड्डू को जा रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। तो लड्डू डेढ़ डेढ़ हाँ 1.5 साल का हो गया है। 14 अप्रैल को, हाँ वही, मतलब जो 1.5 साल वाला इंजेक्शन लगता है, आज हम इसको वो लगवाने जा रहे हैं। और 3 इंजेक्शन लगेंगे बहुत टाइम के बाद। तो देखते हैं पूरा दिन कैसे लड्डू रहेगा। पहले के इंजेक्शन में तो उतना पता नहीं लगा, क्योंकि जब छोटा था, अब बड़ा हो गया है तो देखते हैं। और ये अभी देखो, इसको आज पहली बार मैं इंजेक्शन लगवाने जा रही हूँ, नहीं तो हर बार अनिल ही लगवा के लाते हैं। तो आज फर्स्ट टाइम मैं भी जा रही हूँ, तो देखते हैं। और 3-3 इंजेक्शन लगेंगे एक साथ ही। ओह, तो चलो गाइस चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी। लड्डू, लड्डू क्या सो रहा था। तो गाइज, हम पहुंच गए थे यहाँ पे लड्डू को इंजेक्शन लगवाने के लिए। भाई मैं तो गई नहीं, क्योंकि मैंने इससे पहले एक दो बच्चे देख लिए थे भाई, वो जो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मैं इस मामले में थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड हूँ, मेरे बस की ये चीज़ें नहीं है। और यहाँ पे ना आंगनवाड़ी में मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चे जो और अदर जो होते हैं, वो मतलब जो बच्चे इंजेक्शन नहीं लगवाते, तो वो सब भी आए हुए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लड्डू भी उन्हीं को देख रहा था। और एक बार तो एक इसको दवाई पिलाई थी, 2 इंजेक्शन लगे थे, तो ये देख रहा था कि ये क्या कर रहा है। एक इंजेक्शन तो इसने चुपचाप लगा लिया, इसको समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन जब इसको दूसरा इंजेक्शन लगाना, इतनी तेज ये रोया, इतनी तेज रोया, देखो कैसे देख रहा है चुपचाप। ये बच्चों को देख रहा है, वहां पे बच्चे जो पढ़ने आते हैं। एक तो चुपचाप लगवा लिया था इसने, अब इसको दूसरा समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। बट इसने दूसरा लगवाया तो इसको दर्द हुआ और ये बहुत ज्यादा तेज रोया। बट कोई नहीं, लगवा लिया था ये, देखो अब ये दूसरा था। इसको फर्स्ट वाला तो इसने चुपचाप लगवा लिया। और यहाँ पे सारे बच्चे अपने घर से, मतलब जैसे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको एक हैबिट हो जाती है, बड़े बच्चे भी लगवा रहे थे। तो भाई लड्डू का इंजेक्शन लग गया और भाई इतनी तेज रहा, एक में तो बिल्कुल चुपचाप लगवा लिया, जब दूसरा लगाना तो इसको ऐसा लगा नहीं भाई कुछ हुआ। और मैं पहली बार इंजेक्शन लगवाने गई थी, आज लड्डू आते समय इसको वही चीज़ दिला दिया, थोड़ा सा खुश हो गया। बस एक ही बार रोया था, उसके बाद अब चुप गया, अब चुप हो गया। बाकी एक दो दिन थोड़ा सा इसको फीवर वगैरह रहता ही है हर बार हर बच्चे को, लेकिन ये उतना परेशान नहीं करता था। इस बार देखते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, चलने लगा है तो चलेगा, तो दर्द भी होगा। कुछ कहेंगे आप? उतने भाई। तो चलो गाइस दिखाते हैं। जैसे भी लड्डू को ले आए हैं, उसको सिरप दे रहे हैं ताकि मतलब फीवर वगैरह ना हो। PCM वाली जो गोली हुई है वो दी है, बट हमारे पास सिरप रखा हुआ है तो सिरप दे देने से ये पी भी लेता है। और बस ये जब ही रोया था, अब तो आराम से एक टच वुड खेल रहा है। लगा दो इसको, लगाओ। हमारे यहाँ ना आंगनवाड़ी में बच्चे इतने अच्छे से खेल रहे थे, बिल्कुल सारे। दे दो उसको, दे दो। और मतलब उनके लिए प्रॉपर एक आया टाइप की भी थी, जो मतलब बच्चों को देख रही थी, अगर उनको कुछ खाना है तो खिला भी रही थी। तो इतने अच्छे से बच्चों को मतलब रखा हुआ था, और बिल्कुल बंद करके कि मतलब जिसके मम्मी पापा आए उसी को भेजो, नहीं तो नहीं भेजो। और उसके बाद मैं तो लड्डू जब थोड़ा सा बोलने लगेगा तो इसको मतलब एक दो घंटे के लिए वहाँ छोड़ा, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएगा, स्कूल जाएगा उसके लिए। और बस अभी चल। तो गाइस अभी लड्डू के लिए हम चिप्स लेके आए थे, तो वो इसको खिला रहे हैं अभी, मतलब थोड़ा सा ऐसे कुछ कुछ सा हो जाएगा, क्योंकि दर्द तो होगा ही भाई। बाकी चलो मैं खाना वाना बना देती हूँ, ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे का समय हो चुका है, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस अभी हम खाना खा रहे हैं, और ना इसमें बहुत अंधेरा अंधेरा सा दिखता है। बनाया है दाल राइस और रोटी, अनिल इधर खा रहे हैं और लड्डू वहाँ पे ना सो, लाइट्स वगैरह ऑफ कर दिया ताकि वो आराम से सो सके। मेरी शक्ल भी अच्छे से नहीं शायद आप लोगों को दिख रही, क्योंकि मैंने दर्द भी लगा दिया है, इसको दवाई दी है, इसको थोड़ा सा दर्द था तो अभी सो गया है। अभी खाना खा लेते हैं, आप लोगों से शाम को मिलते हैं हम। गाइज अभी हो चुका है शाम का समय और हम आप लोगों से अब मिल रहे हैं। और अभी ऑलमोस्ट 7 बज गए, मैंने पूजा कर दी है, और ना लड्डू के पैर में मतलब स्वेलिंग आई हुई है एक पैर में, हाथ में उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है लेकिन पैर में है। तो मैंने दिन में भी उसको 2-3 बार दवाई दी, अभी भी इसको दवाई दी है, तो वही उसको खेलना है। और जैसे उठ रहा है तो पैर में दर्द हो रहा है, तो उसको समझ नहीं आ रहा। बाकी थोड़ा थोड़ा हम उसको चला रहे हैं, जैसे मतलब बिल्कुल वो बैठा तो बैठेगा तो है नहीं, पर अभी हम इसको लेके जाएंगे घुमाने के लिए थोड़ा सा, जैसे कि उसको थोड़ा सा नॉर्मल लगे और थोड़ा मतलब खेल ले तो थोड़ा चुप हो जाएगा। बाकी वो सुबह से याद ऐसा हो रखा है, काफ़ी टाइम मैंने दवाई भी उसको दे दी है, PCM उन्होंने टैबलेट दी थी, टैबलेट तो नहीं दी है, वही PCM वाला जो सिरप आता है वो घर पर रखा था, और कॉम्बी फ्लेम ये दे दी है। थोड़ा बहुत आराम हो गया है, बाकी थोड़ी देर रहता है आराम, फिर वापस से हो जाता, तभी दूध पी रहा है। और लड्डू को लेके जाएंगे घुमाने के लिए, तब तक मैं थोड़ा सा काम वाम कर लेती हूँ अपना। और खाना वाना भी हम लोगों ने खा ही लिया है, जो दिन में वही खाना बनाया था वो खाया नहीं था, अनिल ने रोटी खाई थी, चावल रखे हैं तो चावल ये अभी खा लिए हैं। तो बस
मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि लड्डू सारा दिन हो गया आज ऐसे ही, और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, नींद पूरी नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी, दिन में भी नहीं सोया आज वो दर्द की वजह से, बाकी हो जाएगा। चलो कोई नहीं, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। अभी समय हो चुका है भाई 10 बजे का, लड्डू को सोए हुए आधा घंटा हो गया है, तो आज मैं भी थोड़ा सा जल्दी सो रही हूँ। बस यही था आज का ब्लॉग। लड्डू का आज इंजेक्शन लगा तो उसको भी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, पैर में स्वेलिंग आ गई है, तो उसको भी दवाई वगैरह देके सो गया है। इतना ही था बस। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं लेट गई थी पर मुझे याद है ब्लॉग तो एंड किया ही नहीं, मैं वापस से उठी लाइट ऑन करी। तो चलो गाइज, इतनी सारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राम राम जी सभी को। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। बाय।